ألم ठीक है भैया. अरे योगेन्द्रोपाध्याय महोदयः अध्यक्षरूपेण माननीयाः राज्यपाल महोदयाः समागमिष्यन्ति. सर्वेषां कृते अनुरोधः स्वीयं स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु. इदानीं शिष्टयात्रा प्रारभ्यते. शिष्टयात्रायाः आगमनकाले सर्वेषां कृते अनुरोधः स्वीयेषु स्थानेषु. इदानीं कृपया सर्वे स्वीयेषु स्थानेषु उत्तिष्ठन्तु. इदानीं निमिलं शिष्टयात्रा अस्माकं संस्कृतभागाय प्रवेशमान भारत.
एक मिनट बैठ जाने की। और जब उसे किसान से पूछा कि बेटा हिंदुस्तान से लौट कर आए हो, हिंदुस्तान को क्या दे रहा है? देखिए उसकी कौम की भक्ति, अपनी सभ्यता के प्रति लगाव। उसने अपने पिता से कहा, मैं हिंदुस्तान को शिक्षा पद्धति लेके आ रहा हूं जिससे कार्य अंग्रेज कर रहा हूं, लेकिन यह विश्वविद्यालय उसको चुनौती दे रहा है और पूर्ण भारतवासी यहां से शिक्षित और शिक्षित होकर दीक्षित होकर देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जब इस घटाटों में लॉर्ड बैकाली की शिक्षा पद्धति के घटाटों में अगर कोई मशाल प्रज्वलित है हिंदुत्व की या भारतीय संस्कृति की, तो यह संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम है। हमारे नेता श्रद्धेय मोदी जी ने भी नई शिक्षा नीति दी, उन्होंने इसको महसूस किया कि जो शिक्षा पद्धति हमको दी जा रही है लॉर्ड बैकाली की शिक्षा पद्धति से हमको पढ़ाया जा रहा है, इसको बदलना होगा। तो जो शिक्षा नई शिक्षा की थी उसमें भी उसके मूल में जो बिंदु है जिसकी परिधि में सब पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनेंगे, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। शिक्षा संस्कार से जुड़ी नहीं है, रोजगार से भी जो यहां पर कर्म प्रधान शिक्षा है। अभी मैं देख रहा था जब एक एक विभाग के यहां पर विभाग अध्यक्ष आकर वर्णन कर रहे थे, आयुर्वेद ज्योतिष आदि आदि, तो अपने प्राचीन विधाओं से विद्याओं से कर्म के रूप में जोड़ देंगे जो यहां पर शिक्षा दी जा रही है। तो हमारे नेता मोदी जी के स्वप्न को भी साकार कर रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ो। और अभी जो महामहिम ने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना मेरे नेता की सफलता का साकार होते हुए। अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे जो महामहिम ने Thank you.